हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप फार्मिंग सिमुलेटर 23 में क्लॉथ्स और फैब्रिक वाकई में प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, और कितना पैसा हम लोग जो है वो क्लॉथ्स बना के फार्मिंग सिमुलेटर 23 में जो है वो अर्न कर सकते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम आज के गेम प्ले में देखेंगे। सो पिछला गेम प्ले जो है वो अगर आपने नहीं देखा तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि मेरे चैनल विजिट करके जो है वो देखें। उसमें मैंने जो है वो कॉटन प्लांट की थी और सेल की थी, और आज के गेम प्ले में अगेन कर तो मैं हार्वेस्ट ही रहा हूँ कॉटन, लेकिन इस बार ये जो बेल है ये हम इसको सेल नहीं करेंगे बल्कि इसको जो है वो हम प्रोडक्शंस की तरफ लेके जाएंगे। सो पिछली दफ़ा मेरे ख्याल से अराउंड $70,000 के अराउंड अबाउट जो है वो ये एक कॉटन बेल जो है वो सेल आउट हुई थी। सो इस बार देखते हैं कि अगर हम इसी कॉटन बेल को प्रोसेस करें और इससे कपड़े वगैरह बनाएँ सो कि क्या हम इसका प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो बेल जो है वो अल्लाह अल्लाह करके इसने हार्वेस्टर ने निकाल दी है। सो अब हम फाइनली जो है वो ट्रैक्टर पकड़ते हैं, इसको लेके चलते हैं स्पिनरी पे, और स्पिनरी जो है वो पिछले अगर आप बाय नहीं करोगे तो वो एज़ अ सेलिंग स्टेशन काम करेगी, और अगर आप बाय कर लेते तो एज़ अ प्रोडक्शन बिल्डिंग काम करेगी। सो ये तकरीबन सभी जो है वो प्रोडक्शन बिल्डिंग्स के ऊपर ये रूल जो है वो अप्लाई करता है। अगर आप उसको बाय नहीं करते तो वो आपकी जो है वो एज़ अ सेलिंग स्टेशन काम करेगी, और अगर आप बाय कर लेते हो तो वो आप एज़ अ प्रोडक्शन बिल्डिंग काम करेगी। एक दफ़ा आपने कोई सेलिंग प्रोडक्शन बिल्डिंग बाय कर ली तो वो वापस से आपसे एज़ अ सेलिंग स्टेशन काम नहीं करेगी, फिर वो वही चीज़ बनाएगी जो उसके ऊपर से जो है वो बन सकती है। सो लेट्स सपोज अगर अभी मैं स्पिनरी जो है वो उसको कर लेता हूँ बाय, सो मैं फिर ये कॉटन बेच नहीं सकूँगा, फिर कॉटन का जो है मैं फैब्रिक ही बना के जो है वो बेच पाऊँगा। सो एनीवेज गाइस चलते हैं जी हम सीधा अभी यहाँ से स्पिनरी की तरफ, और स्पिनरी पे चल के इसको जो है वो अनलोड करते हैं और देखते हैं कि कितने की देर में कितने का हमारे पास जो है वो कपड़ा बनता है। कपड़े को फिर बाद में हम आई डोंट नो क्लॉथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे अभी हम करीब पहुँचने वाले हैं स्पिनरी के, तो ये है तो छोटी सी बिल्डिंग लेकिन काम है इसके बड़े बड़े। सो ये रही स्पिनरी, और मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है ये। सो ये है जी हमारे पास स्पिनरी, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो प्रोडक्शन वाली बिल्डिंग का आइकन बना हुआ है। सो यहाँ पर हम उतर के पहले इसको जो है वो बाय कर लेते हैं। राइट $60,000, तो ये हो गई है जी परचेज। एंड राइट नॉट बैड। सो अभी हम चलते हैं जी और ये बेल जो है यहाँ पे अनलोड करते हैं। पिछली दफ़ा यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो मैंने सीन कर लिया था बेल को अनलोड करने के चक्कर में। सो आई होप कि इस बार जो है वो इस तरह का कोई काम नहीं होगा और बेल जो है वो हम ईजीली उतार पाएंगे। सो ये है जी इसका ट्रिगर, यहाँ पे जाके हम लोग जो है वो बेल अनलोड कर सकते हैं। सो इसको ट्रिगर होने में भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑलराइट उतर चुकी है। अबे यार फिर मसला कर गया क्या? ओ वाह। सो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है क्योंकि वो बेल बड़ी काफ़ी ज़्यादा है। सो मेरे ख्याल से ये डिटेक्ट करने में भी जो है वो थोड़ा सा टाइम ले लेती है, और या मे भी स्लोली जो है वो डिसअपेयर होना होता है उसने। सो पता नहीं क्या रीज़न है, बट यस इट डेफिनेटली टेक सम टाइम, और टाइम ही हमने जो है वो यहाँ पे स्किप करना है। सो करते हैं जी टाइम स्किप और देखते हैं कि 2-3 नाइट्स जो है वो स्किप करने के बाद हमारे पास कितना फैब्रिक जो है वो बनाती है ये स्पिनरी। और यहाँ पर मैंने गाइज ऑलरेडी ये मैसी फर्गसन वाले ट्रैक्टर के साथ ये सेटअप लगा रखा है। सो इसके पीछे ये ट्रेलर वाला पैलेट वाला जो ट्रेलर है वो लगा रखा है हमने। सो इसको अभी हम लेके चलते हैं और जाके लोड करते हैं पैलेट्स। सो गाइज पिछली वीडियो में लोग कुछ कमेंट कर रहे थे कि भाई ये त्राश खराश इतनी ज़्यादा ना किया करो, दिखा भी दिया करो कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है और पूरा रास्ता दिखाया करो। सो अभी हम फार्म से निकले हैं और स्पिनरी तक जाने के लिए हमें कुछ इस तरह से जो है वो इस रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। और गुड थिंग गाइस कि ये मैप को याद करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी हैं ये मैप्स, और कोई मतलब के कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहाँ पे, इजी सा इनका लेआउट है। सो आप जो है वो अगर आपने अच्छे से गेम खेली तो आपको पहले दिन में ही याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो किधर है।
और मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि मैंने एक दफ़ा जो है ये इनका गेम प्ले बनाया था मैप टूर का, तो मुझे तो वो जो है वो याद हो गए थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सब मुझे तो कोई इतना नहीं प्रॉब्लम आती है ढूंढने में कि कौन सी चीज़ कहाँ है, बल्कि मुझे ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ जहाँ पे मैंने जाना है वो जगह जो है वो कहाँ पे है। सो गाइज़ यहाँ पे हम आ चुके हैं स्पिनरी के ऊपर, लेट्स सी कि कितने पैलेट्स हैं। वाह 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 वाह, तो चार यहाँ पे रंग बिरंगे कपड़ों के गाइस थान जो है वो सजे पड़े हैं, रंग बिरंगे कपड़ों के जो है वो पैलेट्स यहाँ पे बने पड़े हैं। सो इनको हम लोग जो है वो, मैं आपको ज़रा एक करीब से इनका एक लुक दे देता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक से देख लो। सो वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म के चार जो है वो थान बन के आ चुके हैं। थान मतलब उर्दू में लफ्ज़ है मेरे ख्याल से, वो कपड़े के पूरे जो है पैलेट्स को बोलते हैं। ये जो ऊपर आपको रेड कलर की येलो कलर की, इसको मेरे ख्याल से एक थान बोलते हैं। सो अब इनको जो है वो पैलेट्स ही कहूँगा, डोंट यू वरी गाइज। प्रॉब्लम यह है कि अब इनको अनलोड करना मेरे लिए बड़ा चैलेंज बना पड़ा है, क्योंकि ट्रेलर हमारे पास है डोली वाला, आपको पता है आपके भाई को डोली वाली कोई चीज़ें चलानी नहीं आती। सो कैसे यहाँ से अनलोड लोड हो गए ये वाले। ओके एक पैलेट रह गया यहाँ पे बस, वो भी ओके हो गया हो गया हो गया। ऑल राइट सो लेट्स सी के यहाँ पे हमें जो है वो इसकी प्राइस में अगर दिखा दूँ, तो ये इसकी गईज प्राइस जाती है फैब्रिक की $11,000 तक, और क्लॉथ्स की प्राइस जो है वो 30-31 हज़ार डॉलर्स तक जाती है। सो फिलहाल मैं आपको फैब्रिक की दिखा रहा हूँ। सो आप अगर आप चाहो तो यहीं से भी इसको भी सेल कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू मेक क्लॉथ्स फ्रॉम दिस फैब्रिक, और मैं जो है वो भाई सीधी सी बात है इससे जो है वो क्लॉथ्स बनाने जा रहा हूँ। और क्लॉथ्स फैब्रिक भी कपड़ा होता है, क्लॉथ भी कपड़ा होता है। अभी भाई वैसे तो हम इंग्लिश को गलियाँ निकालते हैं, यहाँ पे हमारी अपनी लैंग्वेज जो है वो प्रॉब्लम करके बैठ गई है, और अभी आप खुद ही आइडिया लगा लो। सो क्लॉथ हमने बेसिकली इस कपड़े को पहनने वाले कपड़े बनाने हैं, और वो उसके लिए हमें जो है वो दर्जी की दुकान बाय करनी पड़ेगी भाई, इससे सिंपल अब मैं नहीं समझा सकता। और ये रही जी दर्जी की दुकान, यहाँ पे है एम्बरस्टोन मैप में, और इस ट्रैक्टर को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ये तो रास्ते में ही टांगे अड़ा रहा है भाई, टांगे नहीं बल्कि स्प्रेयर अड़ा रहा है। सो यहाँ पे अभी इसको भी बाय करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता ये कितने की है, बट एनी वेज चलते हैं। और इसकी भी जो है वो यहाँ पे हम प्राइस चेक कर लेते हैं, क्या प्राइस का सीन जो है वो चल रहा है इसका, अबे बेचने भी है या नहीं, कहाँ पे रखा है इसका मार्कर। ओके ये रहा, हियर वी गो, कितने की है? OMG $1,00,000 की। अरे भैया ये तो जुल्म है, $1,00,000 मतलब 1,60,000 डॉलर तो ये दो दुकानों के ही निकल गए ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैब्रिक ये एक्सेप्ट करती है और क्लॉथ आपको बना के देती है। सो ये रहा इसका अनलोडिंग ट्रिगर, यहाँ पे आके अभी गाइज हम लोग जो है ये सारा का सारा कपड़ा जो है वो अनलोड कर देते हैं। सो ये है जी इसका, इस तरफ को करके है जी इसका ट्रिगर, और यहाँ पे करते हैं जी अनलोड, हियर वी गो। और अभी हमने जो है वो मज़ीद टाइम स्किप करना है ताकि ये जो है वो प्रोडक्शन अपना काम कर सके, और हमें जल्दी जल्दी से जो है वो कपड़ों के पैलेट्स बना के दे दे, और फिर हम लोग सेल करें। याद रखिए गाइस कि अभी भी स्पिनरी में हमारी जो कॉटन की एक बेल हमने लोड की थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉटन अभी भी पड़ी हुई है, सो ये हमने सारी कॉटन बेल जो है वो यूज़ नहीं की। सो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। राइट गाइज टाइम स्किप कर रहे हैं, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसकी जो है ये प्रोडक्शन अभी भी चालू है, और आप देख सकते हैं कि फैब्रिक की मतलब अभी तक भी कॉटन हमारी ख़त्म नहीं हुई, अभी तक भी जो है वो स्पिनरी बनाई जा रही है फैब्रिक। और पिछले गेम प्ले में हमने जो है वो सेल की थी एक कॉटन बेल $70,000 की, और यहाँ पे हमने दो ये पैलेट्स बना भी लिए हैं क्लॉथ्स के, और अभी भी जो है वो हमारी स्पिनरी जो है वो उसी एक बेल को अभी तक जो है वो प्रोसेस किए जा रही है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम ये वाले दो पैलेट्स बेचें जिसकी प्राइस जो है वो फ़िलहाल के लिए तो फार्मर्स मार्केट पे सबसे हाईएस्ट चल रही है। अभी हम देखते हैं कि अगर हम ये वाले दो पैलेट्स बेचें तो हमें कितने पैसे मिलते हैं। पढ़ा लिखा सा गैस ये है कि $60,000 हमें जो है वो इसके मिलेंगे, बट एनीवेज फिर भी चलते हैं जाके इसको सेल करते हैं। और ये अगेन याद रहे कि ये एक बेल का प्राइस
मतलब ये मुकम्मल एक बेल हमारी कंज्यूम नहीं हुई, अभी भी जो है वो स्पिनरी में कॉटन हमारी पड़ी हुई है उस एक बेल में से, और स्पिनरी जो है वो अभी तक भी फैब्रिक बना रही है। सो कह लो कि दो की बजाय ये चार पैलेट्स हम लोग जो है बना सकते हैं, और मिनिमम ये मैंने अभी सिर्फ गैस लगाया, सो इसमें मतलब कि कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये चार पैलेट्स आएँ, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है आना, सो दैट मीन्स के कम अज़ कम भी हमें जो है वो $1,20,000 जो है वो एक कॉटन बेल प्रोसेस करने से मिल सकते हैं। सो यहाँ पे सेल करते हैं और देखते हैं कि कितने पैसे हमारे पास आते हैं। और ये जी बिल्कुल $61,000। सो गाइज ये थी क्लॉस की प्रोडक्शन, मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये प्रोडक्शन कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।